लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ हालात बीच में ऐसे हुए जिसकी वजह से वो कोलिशन कायम नहीं रह सका। लेकिन गवर्नमेंट में ना होने के बावजूद भी उस रूह को और उस विजन को, उस सोच को सदर पाकिस्तान ने भी और अल्ताफ भाई ने भी मेंटेन रखा, सस्टेन रखा। और अल्ताफ भाई ने हमेशा बावजूद ये कि हुकूमत में नहीं रहे, वजीर पाकिस्तान जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब से बात हुई और जो भी कांटेक्ट हुए, या सदर पाकिस्तान ने या वजीर आजम साहब ने जब भी अल्ताफ भाई से कांटेक्ट किया, मुल्क इस्तेकाम और मुल्क को दरपेश चैलेंजेस के हवाले से सपोर्ट के लिए, तो भी अल्ताफ भाई ने बावजूद इसके कि गवर्नमेंट में ना होते हुए वो सपोर्ट रेंडर की और हमेशा इस चीज, इस कमिटमेंट को कायम रखा कि पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए, मुल्क के लोगों के लिए जो बैरूनी चैलेंजेस हैं, इंटरनेशनल चैलेंजेस हैं और मुल्क के अंदर चैलेंजेस हैं, एमपीएम एक इंतहाई मजबूत डिसिप्लिन सियासी कुव्वत के साथ साथ उन चैलेंजेस को निमटने के लिए हुकूमत के साथ अपना भरपूर रोल और किरदार अदा करेगी। तो ये सिलसिला चलता रहा और फिर बीच में सदर पाकिस्तान की कोशिशों से जब उन्होंने अल्ताफ भाई से बात की और गालिबन 19 अगस्त को अल्ताफ भाई को टेलीफोन किया सदर पाकिस्तान ने, और उन्हीं दिनों में वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने भी अल्ताफ भाई से बात की और उनको यही कहा कि ये चैलेंजेस जो हैं और आपकी सपोर्ट भी है, लेकिन ये अच्छा होगा कि हमारे दोस्त साथ मिलके न सिर्फ असेंबली के अंदर बल्कि हुकूमत के साथ भी मिलके इन चैलेंजेस से और मुश्किल तरीन हालात जिससे पाकिस्तान गुजर रहा है इसमें सपोर्ट करें। अल्ताफ भाई ने बहुत ही संजीदगी से इस मैसेज को लिया और यकीनन इस पे बड़ी सोच विचार हुई। कुछ वक्त लगा जरूर, लेकिन फाइनली बहुत सारी सोच विचार के बाद और काफी सारी मीटिंगों के बाद, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट एक फैसला था और इस फैसले पर पहुंचने के लिए उन अवामिल को जरूर देखना था जिन अवामिल की वजह से, जिस वजह से गलत फहमियां या ना इतफाकियां पैदा हुई कोलिशन में और एक बदमजगी हुई, और उस ना इतफाकी की वजह से और उस पूरी सूरत हाल की वजह से, गो कि ये एक सियासी हुकूमतों में ये सिलसिले होते हैं कि सियासी पार्टियां जो हैं वो अपने रास्ते, अपने सियासी इंटरेस्ट के तहत ज़रूर उसका तायुन करती हैं, लेकिन इस सियासी एनवायरनमेंट में, माहौल में और इस जज्बे की बहुत ज़रूरत होती है कि बाज़ औक़ात आपको बताते चलें कि गवर्नर सिंध कन्विंस किया इसी सोच के साथ कि इस वक्त मुल्क बेपनाह चैलेंजेस के साथ सामना है, तो उसको निपटने के लिए हुकूमत का साथ देना चाहिए और इन चैलेंजेस को निपटने के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतें और तवानाइयां मुत्तहदा के भी जो वज़ीर हैं वो सूबाई असम्बली में भी और कौमी असम्बली में भी, नेशनल फेडरल गवर्नमेंट में भी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में भी हुकूमत के साथ मिलके इन चैलेंजेस का मुकाबला करें और जितना रिलीफ आवाम को, बावजूद इसके के बड़े नामसाइद हालात हैं, जितना रिलीफ दिया जा सकता है वो दें और मेक श्योर करें कि इस सियासी फैसले की वजह से जो कि हुआ, और फिर ये भी एक तजर्बे में जो चीज़ आई वो ये कि खुसूसन कराची शहर ने बहुत सफ़र किया, कराची के लोगों ने बहुत सफ़र किया और यहाँ पे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए
और एक पूरे मुल्क में डीस्टेबलाइजेशन का माहौल बनने लगा, तो उसको भी रोकने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, पीस के लिए, हारमोनी के लिए और प्रोग्रेस के लिए और इन चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए ये फैसला हुआ है कि इंशाल्लाह एमक्यूएम के वज़रा फेडरल गवर्नमेंट में भी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में भी अभी से ज्वाइन कर रहे हैं गवर्नमेंट को वापस। तो इसके लिए आप लोगों को ज़हमत दी थी और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कायम अली शाह साहब का भी और खुर्शीद शाह साहब का भी और तमाम आगा सराज साहब, मंजूर वसान साहब, पीर मज़हर साहब यहाँ मौजूद नहीं हैं, यहाँ सुमरो साहब और खुसूसन सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का और प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी साहब का और आज तशरीफ़ नहीं ला सके रहमान मलिक साहब क्योंकि आज उनकी इंटीरियर की ब्रीफिंग थी। उन्होंने भी इस पूरी सदर पाकिस्तान की हिदायत पे इस पूरे अमल को जो है वो हर तरीके से बावजूद इसके कि बहुत डिफ़िकल्ट था और एमकेएम को दोस्तों को समझाना अल्ताफ़ भाई ने तो एक गाइडेंस दे दी थी लेकिन बार बार उनके साथ इंटरेक्ट करके और बाबर अवान साहब ने भी इसमें मावनत की तो ये तमाम दोस्तों का शुक्रिया और एमकेएम के भी दोस्तों का शुक्रिया कि जिन्होंने इस चीज़ को समझते हुए एक बहुत ही मुश्किल सियासी फैसला लेकिन उसको बड़ी बोल्डली उस सियासी फैसले को